नाजरीन इनर व्यूज एंड न्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, पब्लिक डिप्लोमेसी आजकल की सफारतकारी में एक बहुत ही अहम टूल समझा जाता है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने इस सिलसिले में एक बहुत ही अहसन और खूबसूरत कदम उठाया है। वो लोग यूके में 7,500 प्लांट्स दी लेगेसी प्रोजेक्ट के तहत लगाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में वहाँ पर कुछ सिविल सोसाइटी की तंजीमें और एनजीओज भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम तफसील से अपने प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमने दावत दे रखी है डॉक्टर सैयदा हैदर साहिबा को, जो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में अहम ओहदों पर काम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ वो एज ए डिप्लोमेट पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और पाकिस्तान एम्बेसी ब्रसल्स में प्रेस और मीडिया सेक्शन को भी हेड कर चुकी हैं। तो उनसे कुछ पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो मेरे साथ रहिए, आप देख रहे हैं इनर व्यूज एंड न्यूज। मेरा नाम है शकील हैदर सैयद। नाज़रीन, वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा हैदर साहिबा। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ आप हमें बताएं पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में, और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान को सामने रखें, पाकिस्तान की सफारतकारी को सामने रखें, तो इस सिलसिले में कुछ आप हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी, अगर उसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो उसको मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अब तक जो हम अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी में जो पाकिस्तानी सफारतकार जो काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी हमें आगाही दीजिए। जी, जैसे आपने कहा कि पब्लिक डिप्लोमेसी आजकल की सफारतकारी में एक बहुत मौसर और बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है। वैसे तो सफारतकारी नाम ही अहदाफ को बग़ैर कोई हार्ड फोर्स इस्तेमाल किए हुए अचीव करने का है, लेकिन ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है इसमें अवामी सतह पर लोगों के साथ कनेक्ट करना और लोगों का लोगों के साथ रابطہ, गवर्नमेंट्स का लोगों के साथ रابطہ, इसके ऊपर काम किया जाता है। और ऐसी इसके लिए बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सबसे जो अहम यूज़ होते हैं उसके अंदर कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, मीडिया और फिल्म्स का इस्तेमाल, उसके अलावा ये स्कॉलरशिप्स होते हैं और कल्चरल एक्सचेंजेस, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स और पार्लियामेंट्री वफूद के तबादले, ये सब चीज़ें और एक बहुत लंबी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है जो उसमें आती है। और होस्ट कंट्री के में इवेंट्स अरेंज करना, लोगों को जो वहाँ की कम्युनिटीज़ होती हैं उनको इन्वॉल्व करना। तो पाकिस्तान में भी जाहिर बात है कि पाकिस्तानी सफारतकार इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अब मतलब बदकस्मती से ये है कि हम लोग जो काम करती हैं हमारी एम्बेसीज, उसको शायद इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिल पाती या उसको समझा नहीं जाता। और दूसरे ये है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से उस सतह पर और कंटिन्यूटी के साथ पाकिस्तानी एम्बेसीज काम नहीं कर पाती जैसा कि और बहुत से दूसरे ममालिक करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे अहम हमें जो ज़रूरत है वो पब्लिक डिप्लोमेसी का, जैसे कि और भी चीज़ों की पॉलिसी में कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, कि पब्लिक डिप्लोमेसी की सस्टेन्ड पॉलिसीज़ का फॉरेन ऑफिस में ये होना चाहिए प्लान कि कोई गवर्नमेंट आए या जाए, जो हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी की पॉलिसीज़ हैं वो चलती रहनी चाहिए। जैसे मैं इसमें आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन जब वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं भी होते तब भी फुल ब्राइट प्रोग्राम जो है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो उसी तरह कायम व दायम रहते हैं। वो उसमें आप हमारे लोग पढ़ने के लिए अमरीका उन स्कॉलरशिप्स पर जाते रहते हैं। इस तरह जो उनका एक बहुत मसर टूल है वो उनके अमेरिकन सेंटर्स थे यहाँ पर, जो अब लिंकन स्टडी सेंटर्स के तौर पर काम करते हैं और वहाँ पर लोगों के लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल दस्तयाब होता है, जो कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो इंडिया है उसके नेहरू सेंटर्स, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो एक कंटिन्यूटी कायम रहती है, जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि रिसोर्स ऑलरेडी कम होते हैं और फिर वन ऑफ इवेंट्स हम लोग कर लेते हैं, मगर कोई
कंटिन्यूटी में रखना यूजुअली इतना पॉसिबल नहीं होता, मगर उसके बावजूद हमारी एम्बेसीज बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करती हैं और बहुत अच्छे पब्लिक डिप्लोमेसी की हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारी एम्बेसीज करती रही हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हर चीज़ में कंटिन्यूटी बहुत अहम रोल प्ले करती है, और हमारी एम्बेसीज में या जो भी हमारे बाहर सफारतकार या एम्बेसीज जो हैं वो काम कर रही हैं, उनमें जिस तरह आपने फरमाया कि कोई भी हुकूमत आए उससे वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये ख़ासतौर पे जो हमने प्रोग्राम के शुरू में एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया, दी लेगेसी प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की एक काविश है, तो इस सिलसिले में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत हो सकती है हमारी सफारतकारी में। जी देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है लेगेसी प्रोजेक्ट, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट पाकिस्तान हाई कमीशन ने स्टार्ट किया है, जिसको मैं समझती हूँ कि और दुनिया के ममालिक में भी पाकिस्तान को इस तरह के इनिशिएटिव्स के बारे में सोचना चाहिए। इसकी सबसे जो बड़ी बात यह है कि देखें, क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया में एक बहुत अहम मसला है, और दरख्त लगाना जो है एक हमारे रिलीजन में भी सदका जारिया है, और जो पब्लिक के साथ आप कनेक्ट करते हैं, जो उनके इश्यूज़ होते हैं या जो चीज़ें उस वक्त की इन्वायरमेंट में जो करंट होती हैं, जिनके बारे में लोगों की अवेयरनेस होती है या जिस पे काम करना चाह रहे होते हैं, तो ये पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने 18 जुलाई को ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, और इसके अंदर ब्रिटिश पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो शामिल है, पाकिस्तान सोसाइटी शामिल है, इसके अलावा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, नेशनल ट्रस्ट है, और इसमें कई पहलू कवर कर रहा है ये प्रोजेक्ट। जहाँ तक मैंने इसके बारे में जो पढ़ा है कि ये इस प्रोजेक्ट के तहत एक तो जो ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह आज़ादी की जो आएगी अभी अगस्त में, उसके तनाजुर में है, तो ये 7,500 दरख्त जो हैं ये लेगेसी है। ज़ारी दरख्त जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं, वो उनकी लंबी लाइफ होती है, जब आप लगा देते हैं दरख्त तो वो कायम रहते हैं। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जो यूके में मुकीम है, उनकी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट कर रही है ये जो है प्रोजेक्ट। और उसके अलावा वहाँ पर क्वीन की भी प्लैटिनम जुबली है, तो उन्होंने भी वो क्वीन ग्रीन कैनपी प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट उसका एक तरह से पार्ट बन गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आप देखें कि ब्रिटिश जो सोसाइटी है उसके लिए भी एक कंट्रीब्यूशन है, सेलिब्रेशन है, इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी की सर्विसेज की रिकग्निशन है, उनमें अवेयरनेस पैदा करनी है, फिर तीसरे ये क्लाइमेट चेंज का ज़ाहिर है उससे रिलेटेड है, और फिर ये दरख्त लगाना, आप देखें हमें अगर कोई प्लांट देता तो कि बहुत खूबसूरत तोहफा होता है वो, या अगर हम देखते हैं कि कहीं ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, तो ये जो ट्रीज़ का प्लांट करना है ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और हमने देखा था कि जैसे जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उसमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस आया था, और बहुत सारे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम शुरू किए गए थे, क्योंकि हम खुद भी क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े रिस्क पर हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स ये शुरू करना, मैं समझती हूँ कि ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने द लेगेसी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये बहुत इसकी वाइड रेंजिंग भी है और बहुत इसमें बहुत मीनिंगफुल, बहुत फ्रूटफुल, और एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं कहूँगी कि जिसको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। तो अब हमें प्रोग्राम में आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की बैरून ममालिक में, हमारे कौंसलेट्स हैं, तो ये इस सिलसिले में क्या काम कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा हमें उस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारी तमाम एम्बेसीज़ जो है ना बहुत रेगुलर बेसिस पर पब्लिक डिप्लोमेसी के प्रोग्राम्स करती रहती हैं, लेकिन स्टिल वो सफिशिएंट मैं समझती हूँ कि इसलिए नहीं होते कि एक तो हमारे पास एम्बेसीज में रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और फिर ये कि ये एज सच पब्लिक डिप्लोमेसी वगैरह चीज़ों में पाकिस्तान में अभी तक
इन चीज़ों की तरफ इन्वेस्ट करने का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो जाहिर बात है कि फिर एम्बेसीज अपने जितने भी मीगर रिसोर्सेज होते हैं उनको खींच खांच के और कभी कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करके कभी कैसे कभी कैसे, तो ये जो भी है इनिशिएटिव्स लेती हैं और काम करती हैं। मैं समझती हूँ कि आप अगर हमारी पाकिस्तान एम्बेसीज की वेबसाइट्स को विज़िट करें तो आपको हर एम्बेसी की वेबसाइट पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ज़रूर नज़र आएंगे, कुछ ना कुछ इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स और पब्लिक डिप्लोमेसी की चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। लेकिन जब ये होता है कि आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं, इसके ऊपर रिसोर्स आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को स्कॉलरशिप्स बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जारी करने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए दुनिया भर से, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हमें थोड़ी सी इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ से भी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जाएँ, पाकिस्तान घूम के आएँ, वहाँ पर देखें, वहाँ पे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ अर्से के लिए पढ़ें। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उनको भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा आउटरीच उनकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं जब थी तो एम्बेसडर की टॉक्स रखवाती थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसमें यह होता था कि बहुत सारी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो होती थी उसको पाकिस्तान के बारे में पता चलता था और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता था। और हमें मतलब एक जो आजकल बहुत सहूलत भी हो गई है सोशल मीडिया और इन चीज़ों से, हम अपने काफ़ी सारे जो फ्रंट्स हैं उनके ऊपर अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ जो लेस एक्सपेंसिव हों और उसमें ज़्यादा ज़्यादा आउटरीच हो वो हम कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकती हैं। अब देखिए जो ये पब्लिक डिप्लोमेसी होती है इसमें लोग आम आवाम से कनेक्ट करना होता है इस जैसे, और इनोवेटिव जहाँ मैंने बात की थी तो मैंने एक अपनी एक मैं मिसाल आपको दे सकती हूँ कि यहाँ पर एक बेल्जियन माउंटेनियर हैं जो पहले बेल्जियन हैं जिन्होंने K2 को सर किया था, तो उनके लिए मैंने एक प्रोग्राम किया और उसमें एक वीडियो गेम मैंने बनवाई और वो एक पाकिस्तानी बच्चे से ही मैंने डेवलप कराई, क्योंकि अदरवाइज़ तो वीडियो गेम्स बहुत महंगी पड़ती हैं, तो उस बच्चे ने हमें बहुत कंसेशनल रेट के ऊपर बिल्कुल मतलब आप समझें कि बहुत ही थोड़े पैसे में बना दी। और उस वीडियो गेम में जो यहाँ के थे एक बहुत मशहूर जो कार्टून है जिससे तमाम बेल्जियंस कनेक्ट करते हैं स्मर्व्स, उनका करेक्टर लेकर और उनको K2 की मुहिम पे भेजा गया। और ये गेम हमने डेडिकेट की थी पॉल हेगा को जो माउंटेनियर है बेल्जियम, और उसमें क्योंकि कोरोना के दिन थे तो उसमें ये थीम थी कि जो माउंटेनियर्स की जो टीम्स थी वो कोरोना से फाइट जो कर रही थी वो ऊपर जा रही थी पहाड़ के ऊपर, और पीछे मुस्तकिल जो था K2 पाकिस्तान फ्लैश करता था वो उनका टारगेट था। तो जो भी ये गेम खेलता है मतलब ये यहाँ पे फिर उन्होंने भी बहुत सर्कुलेट की बच्चों में ये गेम और बड़ों में भी, ये 5 मिनट की छोटी सी गेम थी, वीडियो गेम थी, और उसमें फिर ये था कि जो भी उस गेम को खेलता है उसको पता चलता है कि K2 पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में इतने हाई माउंटेंस भी होते हैं। तो इस तरह के मतलब और बहुत ज़्यादा प्रमोशनल मटीरियल वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स करते थे कि यहाँ के लोगों को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल से रिलेट करना कि जो चीज़ वहाँ के लोगों को पसंद है या जो उनकी ज़रूरत है उससे रिलेट करना। जब हम लोगों ने फुटबॉल मैच कराया तो एक यहाँ पे चैरिटी है क्लिनिक क्लाउंस जो जो बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनको जाकर वो कार्टून्स बन के हुलिया बना कर उनको खुश करते हैं, तो हमने उनके लिए भी फिर उसी फुटबॉल मैच पर फंड रेज किए और उनको हमने वो प्रेजेंट किए, तो वो लोग इतने खुश हुए और उनका मतलब एक पाकिस्तान एम्बेसी के साथ उनका एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बना। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो कनेक्ट करनी चाहिए, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बल्कि तमाम जो भी कहते हैं कि ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ्स में उनमें कनेक्ट करना होता है। तो और उसमें मेरे ख्याल से आई थिंक
हमें सस्टेन्ड इस तरह की चीज़ें करते रहनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे ममालिक के लोगों के साथ जो हैं ताल्लुकात। और इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ है जो हम शायद रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से पाकिस्तान कर नहीं पाता, कि टूरिज्म डेवलपमेंट के छोटे छोटे ऑफिसेज होने चाहिए या सेंटर्स होने चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्स होने चाहिए, कल्चरल जिसमें एक्टिविटीज़ हों, टूरिज्म के ऊपर प्रेजेंटेशंस हों, या जिसे पोलो होता है तो उसकी लाइव कवरेज वहाँ पे दिखाई जा सके और इवेंट्स वहाँ पे हों। पाकिस्तानी खाना इतना पसंद किया जाता है तो वो इवेंट्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी जगहें एम्बेसीज़ के साथ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिसोर्स के हमेशा हमारे पास कंस्ट्रेंट्स रहते हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह के सेंटर्स जो कि बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और कंटिन्यूटी पब्लिक डिप्लोमेसी में ला सकते हैं, वो शायद जैसे चाइना ने देखे चप्पे चप्पे पे दुनिया के कन्फ्यूशियस सेंटर्स बनाए, वो अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को बहुत एक्सपेंड कर रहे थे, अपने सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट इमेज को अपना वो कर रहे थे, तो हर जगह उन्होंने कन्फ्यूशियस सेंटर्स बना के उसमें वो बनाए हैं अपनी कनेक्शन। जिसके साथ हम देखते हैं कि इंडिया भी इस सिलसिले में काफी सेंटर वगैरह हैं उनके, जर्मनी के गोएटे सेंटर्स हैं, उस तरह फ्रांस के हैं, अलियंस फ्रांस है, हमारे पाकिस्तान में भी हम ब्रिटिश कौंसिल देखते हैं या अमेरिकन सेंटर वगैरह। जी जी, इसमें मैं एक और अहम चीज रिसोर्स की जहाँ तक बात है मैं कहूँगी कि अगेन आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का जो इनिशिएटिव है कि उन्होंने कम्युनिटी को देखिए इन्वॉल्व किया ना इसमें, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो जैसे पाकिस्तान सोसाइटी को किया, ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन को साथ लिया, तो इससे कम से कम ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाता है। एम्बेसीज में लिमिटेड तादाद में लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हर वक्त इतनी चीज़ें हो रही थी कि फायर फाइटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एम्बेसीज को, कि डे टू डे बेसिस पे बहुत काम होते हैं। और इसमें थोड़ा सा वेल फोकस्ड होना चाहिए कि नॉट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट ऑन द प्लेसेस जहाँ से चीज़ें बहुत एमिनेट करती हैं और दुनिया में रेजोनेट करती हैं, जैसे लंदन हो गया, ब्रसल्स हो गया, दुबई हो गया, इस तरह मतलब चार छः जगहों पे, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, चंद जगहों पे हम बनाएं पहले मतलब अपने सेंटर्स वगैरह। और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिफारतकारों की और ख़ासकर प्रेस एंड कल्चरल सेक्शंस वालों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे एज अ टूल यूज़ करना है कम्युनिकेशंस को, कि उस मुल्क जिस लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं उन्हीं की ज़बान में उनके साथ कनेक्ट करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताया, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इस सिलसिले में प्रोग्राम करते रहेंगे। पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ मैं समझता हूँ कि और भी बहुत से एरियाज हैं जिन पर मेरा ख्याल काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है, तो हमारी एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को आगे आने वाले प्रोग्राम में हम बताते रहेंगे। आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर हमने कुछ बात की, इसके साथ साथ हम आगे भी इस सिलसिले में अपने प्रोग्राम में बातचीत करते रहेंगे। आपके देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।